सो आज डे 3 है एंड हम लोग तैयार हो गए हैं एवरेस्ट माउंटेन फ्लाइट के लिए. वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द एंटायर माउंट एवरेस्ट रेंज. सुबह के कितने बजे हुए? 3:30. 3:30-4 बज गए हैं. 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है. एंड वी आर गोइंग टू गो टू द काठमांडू एयरपोर्ट. वहां से हमको बुद्धा एयर की फ्लाइट मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग टैक्सी के लिए नीचे आ गए. टैक्सी आ गई है. बहुत बड़ी सी टैक्सी है. सो वी आर 9 पीपल बट दैट्स द टैक्सी दैट वी हैव हायर्ड. होटल वालों ने ही करवा दी थी ये टैक्सी एंड दे टुक समवेयर अराउंड 17,000 NPR व्हिच रफली ट्रांसलेट्स टू 10,000 INR. सो वी हैव रीच्ड त्रिभुवन एयरपोर्ट और हम लोगों को हमारी कैब ड्राइवर ने यहाँ छोड़ दिया है. ही सेइंग कि वहाँ पीछे जो आप देख रहे हो वहाँ से वी हैव टू एंटर द एयरपोर्ट एंड वील कैच द फ्लाइट. एंड बैगेज चेक हुआ, टिकट चेक हुआ. हम लोग बुद्धा एयर का काउंटर ढूंढ रहे हैं. सो लेट्स सी कहाँ पे है. सो चेक इन चालू हो गया है. ऑफिशियल ने हमको बोला कि क्योंकि हम लोगों के साथ 9 पीपल हैं तो एक ही लोग लगेंगे लाइन में एंड दे विल गेट द बोर्डिंग पास. सो आई हैव सेंट माई ब्रदर ऑन द मिशन. सो वी हैव गॉट द बोर्डिंग पासेस विद अस. अभी हम लोग बस एक इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं. वी हैव अ किड विद अस हु इज़ अंडर 2 years old जिनकी टिकट्स नहीं लगती हैं. यू जस्ट नीड टू बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट. सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो डू दैट. बाकी सबके तो बोर्डिंग पासेस आ गए हैं एंड वी विल बी बोर्डिंग द फ्लाइट सून. सो द टिकटिंग काउंटर टुक समवेयर अराउंड 900 NPR एज द इंश्योरेंस फॉर द किड. वो हम लोगों ने पे कर दिया है. उसके बाद उन्होंने उनका उसका बोर्डिंग पास दे दिया था. शी इज़ जस्ट अंडर 2 years old. नाउ वी हैव कम हियर फॉर द सिक्योरिटी चेक. पीछे है तो मैं इसको अभी ऑफ करती हूँ एंड देन आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ द एयरपोर्ट. वी आर डन विद द सिक्योरिटी चेक. आप पीछे देख सकते हो तो सिक्योरिटी चेक हो गया है. ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. इट्स अ वेरी इजी सिक्योरिटी चेक. कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग अंदर आ गए हैं. अभी कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज़. बोर्डिंग पास सब लेके स्टैम्प अप सब कर दिया. दिस इज़ हाउ देयर डोमेस्टिक डिपार्चर लुक्स लाइक. इट्स नॉट वेरी फैंसी बट ऑल द बेसिक्स आर अवेलेबल. और बहुत जल्दी जल्दी भी काम करते सब. सो दैट्स ग्रेट. हम लोग गेट नंबर 5 पे आ गए हैं. लुक्स लाइक दिस इज़ अ बुद्धा एयर डेजिग्नेटेड थिंग क्योंकि सब उन्हीं के कलर्स में भी है और यहाँ पे सब उन्हीं के काउंटर्स भी लगे हुए हैं. आप पीछे देख सकते हो. सो एवरीबडी गेट्स अ विंडो सीट. तो आपकी टिकट नंबर जो भी होगा आपको हमेशा एक विंडो सीट ही मिलेगी फॉर द बेस्ट व्यूज. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक ऑफ. बहुत लेट हो गया एक्चुअली. 6:15 की फ्लाइट थी. इट्स ऑलमोस्ट पास 6:15 क्योंकि वो लोग माउंटेन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे. बट वी हैव स्टार्टेड द इंजन्स हैव रेव्ड अप एंड वी आर गोइंग टू सी द ब्यूटिफुल माउंटेन रेंजेस इन नेपाल. It's once in a lifetime experience that you should definitely look up to.
to not give in. So the mountain height is over. हम लोगों ने start किया था कुछ 7:10, 7:15 के around. And what's the time? Somewhere around 9 o'clock होगा. It was a wonderful flight. उन्होंने हमको सब बताया कि कौन सा कहाँ है. And अब हम descend कर रहे हैं. And then we'll explore more of Kathmandu. हम लोग शायद से Bhaktapur जाएंगे या Bodha Stupa जाएंगे. सबसे पहले नाश्ता करेंगे. अभी होटल जाएंगे, नाश्ता करेंगे. हाँ, तो पहले चिल करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग 3:30 से जगे हुए हैं, सोए भी नहीं है ढंग से और भूखे भी है. तो हम लोग जाएंगे पहले होटल, वहाँ पे चिल करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे हमारी अमेजिंग सी टैक्सी लेके, जो बड़ी सी टैक्सी है, एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ नेपाल. बुद्धा एयर की माउंटेन फ्लाइट है. इनके पास एवरेस्ट फ्लाइट्स भी है और अन्नपूर्णा फ्लाइट्स भी हैं. आप इसको पोखरा से भी ले सकते हो, आप इसको काठमांडू से भी ले सकते हो. इट्स अ वंडरफुल फ्लाइट. द ऑन बोर्ड क्रू वॉज रियली नाइस. दे वर रियली हेल्पफुल. दे केप्ट गाइडिंग अस ऑन विच पीक इट इज. एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई इन काठमांडू. अभी हम बौद्धनाथ स्तूपा पहुँचे हैं. यहाँ पे बहुत भीड़ है और बहुत शोर भी है. So we are at the World Heritage Site. It's the Bodha Stupa. And you have to buy a ticket here that's 100 for Sark and 400 for anything which is not a Sark country. हम लोग बस इसका एक परिक्रमा करने वाले हैं. So that's what everybody does and I'm doing it too for good luck. It's a beautiful thing. पूरा वाइट है, बहुत सुंदर सा है. और see behind me. Beautiful, beautiful stupa. और मेरी फैमिली थोड़ी खो भी गई है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च फॉर एवरीवन. देयर इज एन एंटायर मार्केट हियर. आप बहुत सारा सामान ले सकते हो, जैसे क्यूट सी बेल्स हैं, बैग्स हैं, बहुत सारा ज्वेलरी है. तेरा मैग्नेट्स का चिकन टेक है. तो भक्तापुर दरबार स्क्वायर. हम लोग बस टिकट्स ले रहे हैं. अमित, हाउ मच इज द टिकट? टिकट इज 500 फॉर वन पर्सन. 500 NPR. किड्स अलाउड है, किड्स फ्री है. किड्स फ्री हैं. बस हम लोग थोड़ा गाइड से बात कर रहे हैं. लेट्स सी इफ ही एग्रीज. क्या हुआ? 1000 वाली. ओके, सो वी हैव अग्रीड. लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड. और ये 1000 NPR ले रहे हैं और हमको पूरा भक्तापुर दरबार स्क्वायर का हिस्ट्री बताएंगे. आपका नाम क्या है? राकेश. राकेश, ये राकेश है और ये हमको आज घुमाएंगे. तो अगर आप भक्तापुर आ रहे हो तो ये पूरे स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंब. जैसे आपकी मम्मी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसके बाद सब कुछ प्लेन है. मार्केट हियर. आई एम गोइंग टू वॉक दैट साइड. Because not everybody could afford international travel back then, the king of Bhaktapur created replicas of the Char Dham in India, that is Dwarka, Rameshwaram, Kedarnath and Badrinath. So we went to Kul Devi temple ke andar gaye the. Yahan pe phones allowed nahi hai. Aap photography nahi kar sakte, aapko bags chhod ke jaane honge, but it's a very pretty thing and you should check it out. हम लोग बाकी एक्सप्लोर करेंगे बाहर जाके.
After trying this yummy baravo, we went and joined our family and ordered a bottle of Gorkha craft beer. It was a pretty good beer, so you can definitely try that out. Post which we ordered the Nivari Thali, which came with this amazing types of food. This crispy puffed rice, the aloo ki sabzi, the adrak on the side, and chicken choila, all of them were really yummy. And it also came with a side of their traditional whiskey. We also tried out their mishti dohi, all of which was really amazing. So, हम लोग भक्तापुर दरबार स्क्वायर से निकल गए हैं और हम सनसेट देखने नागरकोट जा रहे हैं. नागरकोट इज़ अ वेरी फेमस हिल स्टेशन हियर, जहाँ के सनसेट्स और सनराइजेस बहुत ही फेमस है. दिस इज द एंटायर थिंग दैट यू हैव टू वॉक. और वैसे तो आधा घंटा दिखाते हैं, बट आधा घंटा है नहीं, इट विल टेक यू मोर देन वन आवर टू रीच हियर. तो हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं एट द व्यू पॉइंट, एंड दिस इज द व्यू पॉइंट. ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, यू डोंट गेट टू सी एनी माउंटेन रेंजेस. या तो आज क्लाउडी है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट आई वुड से यू कैन स्किप ऑन दिस. सनसेट हो गया है और हम लोग नागरकोट से निकल रहे हैं. अच्छा था, ठंडा है यहाँ पे, सो इफ़ यू आर वेयरिंग स्लीवलेस या शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, आई वुड एडवाइज दैट आप एक स्कार्फ या शॉल रख लो. बट इट्स प्लेजेंट, इट्स नाइस, द व्यूज़ आर गुड, बट कोई हिल्स देखने के लिए नहीं मिली, सो इट्स नॉट द बेस्ट सनसेट दैट आई हैव सीन विद द व्यू. आई एम होपिंग सारंगकोट विल बी अ लिटिल बेटर, जहाँ हम लोग कल जाएंगे. सो लेट्स सी. After returning from Nagarkot, we rested at our hotel for a while and went to Kathmandu Grill for our dinner. We had some amazing live music and food there, post which we retired to bed. Brand new day tomorrow, where we will be flying to Pokhara.